गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। 678 प्लस 900 माइनस 100 प्लस 200। तो यहाँ ये ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया है और ऐड करने पे आया 1578। अंडरस्टैंड? माइनस का यहाँ साइन है, माइनस का हम साइन लगाएंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 और 200 को प्लस करेंगे, 300 आ जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर से हम सेकंड नंबर को माइनस करेंगे। तो जब फर्स्ट से सेकंड नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1278। अंडरस्टैंड? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, 5986 माइनस 2003 प्लस 3039 माइनस 100। तो यहाँ भी ब्रैकेट्स दिए गए, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस वाले ब्रैकेट को, यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे हम। तो देखिए माइनस हमने किया तो यहाँ आ गया 3983, प्लस का साइन है तो प्लस हम लगाएंगे हम। यहाँ डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ भी माइनस करेंगे। तो 3039 से माइनस करेंगे 100 को, तो यहाँ आ जाएगा 2939। अब यहाँ इन दोनों को हम सम फाइंड करेंगे दोनों नंबर्स का, क्योंकि प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6922। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सी। देखिए यहाँ भी देखिए, ये देखिए 7395 माइनस 2340 माइनस 2000। तो यहाँ ब्रैकेट दिया गया, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम माइनस करेंगे 2000। तो यहाँ हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है 5055, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगाया और 2000 का यहाँ पे 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5055 से हम माइनस करेंगे 2000 को। तो 5055 से 2000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3055। तो ये आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए ये ब्रैकेट दिया गया है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो भी होता है, एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन होगा डिवीजन करेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो 4592 से माइनस करेंगे 1000 आ जाएगा 3592। प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, 5549 को हम इससे प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9141। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3759 एंड द सम ऑफ। तो सम किसका फाइंड करना है, सम फाइंड करना है 2439 एंड 4239 का। इन दोनों का सम फाइंड करेंगे और इन दोनों के सम से हमें डिफरेंस माइनस करना है 3759। तो हमने इसको रिटर्न किया है, ये देखिए इन दोनों को सम फाइंड करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज किया है और माइनस 3759। तो माइनस करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर ब्रैकेट में प्लस हो रहा है तो हमने प्लस किया और प्लस किया तो आया 6678 माइनस 3759। ओके, और हम यहाँ पे पता करेंगे डिफरेंस, तो हम फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2919। अंडरस्टैंड? चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इसका आज का। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर। तो हमें 4-डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर से 3-डिजिट के ग्रेटेस्ट और 2-डिजिट के ग्रेटेस्ट का सम माइनस करना है। तो हमने इसको इस तरीके से रिटर्न किया है, 9999 माइनस 999 और प्लस 999। तो यहाँ ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ हमने ब्रैकेट का यूज किया है, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1099। तो यहाँ हमने ये नंबर वैसे ही वैसे लिखा, माइनस है तो माइनस लगाया यहाँ पे 1099। अब 9999 से 1098 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8901। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा ये क्वेश्चंस बहुत आसान थे, यहाँ पे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। अगर ब्रैकेट दिए गए हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर जो एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस थे,
बाकी क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, इन्हें अपना अंडरस्टैंड करिए। वीडियो को आप बार बार प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा समझना और करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप डाउट सेशन के अंदर अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके।